नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवीज बाजार में। तो दोस्तों, हॉटस्टार पर आ चुकी है नवंबर स्टोरी, जिसमें मेन लीड में नजर आ रही हैं तमन्ना भाटिया और जिनका मेन मोटिव होता है अपने पिता को इनोसेंट साबित करना। अब दोस्तों, वेब सीरीज में क्या कुछ खास रहा और तमन्ना भाटिया ने फिर से हमारे दिलों पर कोई जादू किया है या नहीं, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो दोस्तों, स्टोरी एक ऐसी बेटी की है जिसके पिता एक क्राइम नॉवेलिस्ट हैं और अल्जाइमर की बीमारी से पीड़ित हैं, और एक दिन अचानक उनके घर में एक मर्डर हो जाता है और उसके पिता उस मर्डर सीन पर बॉडी के साथ मिलते हैं और सारे सबूत उसके पिता के विरुद्ध चले जाते हैं। लेकिन उनकी बेटी को पूरा विश्वास होता है कि ये मर्डर उन्होंने नहीं किया है। अब वो कैसे अपने पिता को बचाती है और कैसे असली खूनी को ढूंढती है या नहीं, इसे जानने के लिए तो दोस्तों आपको इस वेब सीरीज को देखना होगा, जो कि हॉटस्टार पर अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इसे टोटल 7 एपिसोड में बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि इसे हिंदी में भी देखा जा सकता है। वही दोस्तों बात करें परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों परफॉर्मेंस के हिसाब से तमन्ना भाटिया ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। उनके रोल को उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से जस्टिस दिया है। उनका डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है और इस इंटेंस लुक में वो बहुत ही शानदार नजर आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों शो की बाकी की स्टार कास्ट भी अपने अपने रोल में ठीक ठाक लग रही हैं। वो दोस्तों बात करें वेब सीरीज की, तो दोस्तों मुझे वेब सीरीज बहुत ही शानदार लगी है। शुरुआत से लेकर आखिरी तक ये आपको ग्रिप कर रखती है। वही दोस्तों, इस वेब सीरीज की सबसे बड़ी हाईलाइट रही है इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स। आपको इस सीरीज में भर भर के ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। हालांकि ये वेब सीरीज बिल्डअप होने में थोड़ा सा समय जरूर लेती है, लेकिन ये वेब सीरीज टोटली वर्थ है हमारे लिए। वही दोस्तों बात करें इसके BGM की, तो दोस्तों BGM बहुत ही अच्छा है। हालांकि इस वेब सीरीज में कुछ ट्विस्ट ऐसे भी आते हैं जो आपको प्रेडिक्टेबल लग सकते हैं, लेकिन इस कहानी को इस तरीके से ही प्रेजेंट किया गया है कि ये कहानी आपको थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल लग सकती है। वही दोस्तों बात करें डायलॉग्स की, तो दोस्तों डायलॉग्स भी काफी अच्छे हैं। वही दोस्तों, इस वेब सीरीज में एक और अच्छी बात है कि इसमें कई सारे एंगल्स आते हैं और कुछ एंगल्स तो ऐसे आते हैं जिसे देखकर आप काफी शॉक हो सकते हैं। वहीं इस वेब सीरीज में कुछ सब प्लॉट्स को भी दिखाया गया है जो मेन प्लॉट से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ये सारे सब प्लॉट्स मेन प्लॉट को जोड़कर रखने में कामयाब रहते हैं और हमें एक अच्छी स्टोरी मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों स्टोरी और एक्टिंग के मामले में ये वेब सीरीज बहुत ही शानदार रही है और आपको एक बेस्ट क्राइम थ्रिलर देखने को मिलता है। बात करें रेटिंग की, तो दोस्तों मैं इस वेब सीरीज को 5 में से 3.5 स्टार देना चाहूंगा। और अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। और रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।